तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप मेरी यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो भी मेरे को यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से जो मेरे को यहाँ पर लिमिट मिली है वो भाई यहाँ पर पूरी यहाँ पर 30,000 रुपये की यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर आप सभी यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। ऊपर की साइड में दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में आप यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा यहाँ पर नाम आ चुका है इस लोन एप्लीकेशन में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड में दोस्तों यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ चुका है, अश्वनी कुमार। जो भी दोस्तों मेरे को इस लोन एप्लीकेशन से जो मेरे को यहाँ पर लिमिट मिली है पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर बता रखी है कि किस किस तरीके से आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, कितना आपके ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, कितना आपके ऊपर यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं, कितना आपको यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा, पूरी डिटेल दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आप लाइव प्रूफ बिल्कुल देख पा रहे होंगे। अगर भाई आपको जरूरत है पैसे की, आप दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हो और भाई दोस्तों आप यहाँ पर आपके पास में सिर्फ दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसके बेसिस पर दोस्तों आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हो इंस्टेंट पर्सनल लोन, तो भाई दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाली है। क्योंकि भाई दोस्तों यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आपको सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर दोस्तों आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा रही है और भाई दोस्तों आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पर दोस्तों 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आप दोस्तों यहाँ पर मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर जो लिमिट आपको मिलती है उसको दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम न्यू होने वाली है, शानदार लोन एप्लीकेशन होने वाली है। अगर भी आपको ज़्यादा ही जरूरत है पैसे की तो भाई दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भाई दोस्तों यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का फर्स्ट टाइम में दोस्तों मैंने यहाँ पर अबाउट सेक्शन इसका ओपन कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों आपको जो लिमिट आपको देखने को मिलती है वो भाई दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट देखने को मिल सकती है इस लोन एप्लीकेशन में। 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आप किसी भी टाइम यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो और भाई अपने लिए लोन को जनरेट कर सकते हो, उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 100% यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है और भाई दोस्तों यहाँ पर RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है, तो भाई दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है और भाई दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई वगैरह यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम में जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे फर्स्ट टाइम में ऐसा इंटरफेस आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपके यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो भी दोस्तों यहाँ पर ठीक ठाक लगने वाला है, वो अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कितने रुपये का आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि भी आपकी जो परमिशंस होती हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और भी दोस्तों यहाँ पर परमिशन पर अलाउ करने के बाद में एक्सेप्ट एंड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आपको मोबाइल नंबर होता है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कंफर्म पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर कर दिया है फिलअप और भी फिलअप करने के बाद में दोस्तों आपके पास में एक OTP सेंड की जाएगी। OTP दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरीफाई करवानी पड़ेगी। जैसा कि मेरा यहाँ पर नाम आ चुका है, जैसा कि मेरा यहाँ पर नंबर आ चुका है, उसके बाद में जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर एक OTP सेंड की जाएगी। OTP दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरीफाई करवा लेनी है। जैसे भाई आप यहाँ पर OTP वेरीफाई करवाओगे उसके बाद में दोस्तों जो आपका यहाँ पर स्टेप आता है, जो फर्स्ट स्टेप आपके पास में आता है इस लोन एप्लीकेशन में, वो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको हाउस टाइप करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पिन कोड आपको फिलअप करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, उसके बाद में सिटी एड्रेस जो भी दोस्तों आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होती है, जो भी आपका एड्रेस होता है वो
जैसे कि लोकल एड्रेस हो गया, आपका जो भी एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होता है वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आपका जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप करना है। मैंने आपको पहले ही बताया 100% डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है। तो फिर दोस्तों आपको ये फिलअप, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये दोस्तों आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। जैसे कि दोस्तों मेरे केस में मैंने यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने इसके यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जो भी मेरा एड्रेस है वो, और भाई लोकल एड्रेस है वो, और भाई मैंने यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड, मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नीचे की साइड में दोस्तों आप यहाँ पर सेव एंड इन्फॉर्मेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर जो भी आपकी कंपनीज की डिटेल्स होती हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप करनी पड़ेगी, किस कंपनी में आप काम करते हो, अगर भाई आप काम नहीं करते हो तो कहाँ पे काम करते हो, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी का नेम, जो भी काम करते हो उसका यहाँ पर नेम डाल दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका कंपनी का एड्रेस होगा जहाँ पर भी आप काम करते हो उसका दोस्तों यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर दीजिए। जो भी आपकी सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी आपकी 25,000 होनी चाहिए। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी आपसे यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई यहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं मांगी जाएगी। आपको क्या करना है, 35,000 रुपये डाल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पर कितने साल से काम करते हो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद में सेव इन्फॉर्मेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों कंपनी डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे जो भी दोस्तों आपकी बैंक की डिटेल होगी वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा लेना चाहते हो इस लोन एप्लीकेशन से, वो दोस्तों यहाँ पर वो बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर अदर पर कर देता हूँ क्लिक, और भाई उसके बाद में आपको यहाँ पर नेम डालना है, जो भी आपका नेम होगा वो, उसके बाद में अकाउंट नंबर, उसके बाद में IFSC कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो कर लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी कंप्लीट कर दी है, और भाई नीचे की साइड में मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन भी आ चुका है। फाइनल स्टेप दोस्तों आपके पास में यहाँ पर बचता है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों 3,000 रुपये से स्टार्ट होती है और 30,000 रुपये तक दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट मिल सकती है। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर 3,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इसको दोस्तों यहाँ पर अपने लिमिट को आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 16,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर कर दी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आधे पर आ चुका है। अगर भाई मैं इसको यहाँ पर पूरी लिमिट लेना चाहूँ, 30,000 रुपये की लिमिट आपको यहाँ पर मिल सकती है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 16,000 रुपये की जो लिमिट है इसके ऊपर क्या क्या यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर चार्जेस वगैरह आपको यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, आपको यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आपको दोस्तों यहाँ पर 1,120 रुपये का देना पड़ेगा, जो 16,000 रुपये के ऊपर है वो। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस आपको 1,120 रुपये की देनी पड़ेगी, आपकी GST 201 रुपये, और भाई जो आपके यहाँ पर जो आपके फाइनल अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 14,678 रुपये आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, 1,120 रुपये आपको यहाँ पर टोटल इसका रिपेमेंट इनका करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 30,000 रुपये की पूरी लिमिट बता देता हूँ। 30,000 रुपये में आपको यहाँ पर क्या क्या देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 2100 रुपये आपके यहाँ पर इंटरेस्ट लगने वाला है, वो भी दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 महीने में। और भाई उसके बाद में प्रोसेसिंग फीस आपकी 2100 रुपये लगने वाली है। उसके बाद में 378 रुपये आपकी GST लगने वाली है। उसके बाद में जो भी दोस्तों आपका जो फाइनल अमाउंट होता है 27,522 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, वो दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये का जो लोन है आपका उसमें से दोस्तों कट फट के जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है उसको काटने के बाद में 27,522 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपको यहाँ पर रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा टोटल 32,100 रुपये का आपको यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भाई मैंने एप्लीकेशन के बारे में वैसे दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। एप्लीकेशन का जो दोस्तों यहाँ पर नाम होने वाला है इंस्टेंट पेडे पर्सनल लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है। एक बात दोस्तों आप पहले यहाँ पर कान खोल के सुन लीजिए, ये दोस्तों लोन एप्लीकेशन वैसे 7 डेज लोन एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, पर दोस्तों मेरे को लग रहा है कि भाई ये लोन एप्लीकेशन आपके साथ में कुछ फ्रॉड वगैरह कर सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन इसलिए बताई है क्योंकि भाई लोन एप्लीकेशन मेरे को वैसे ठीक ठाक लगी, बट दोस्तों अगर भाई आपको ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट पड़ जाती है पैसों की तो भाई इस लोन एप्लीकेशन से आप सारा ले सकते हो। अगर भाई दोस्तों आपको इतनी नीड नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो भाई आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके दोस्तों एप्लीकेशन को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, उनमें दोस्तों एक बार यहाँ पर ट्राई करके जरूर देख लीजिए।
ये लोन एप्लीकेशन आप जब ही ट्राई कीजिए जब आपके पास में बिल्कुल मजबूरी हो, क्योंकि भाई दोस्तों आपका फ़ायदा उठा सकती है, आपके यहाँ पर बताए कुछ रही है और आपके जो जो आपका अमाउंट है उसको डालने के बाद में, आपके बैंक अकाउंट में डालने के बाद में उसके बाद में कुछ और बता सकती है। वैसे दोस्तों मैं एप्लीकेशन आपको इसीलिए बताइए, अगर भाई आपको ज़रूरत है पैसों की तो भाई इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि भाई आप यहाँ पर ऐसे लोन एप्लीकेशन का सहारा लें जिसको दोस्तों आपको आने वाले टाइम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है आपको डाउनलोड करनी है या फिर नहीं करनी है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए।